हैप्पी लाइफ के लिए, सुखी जीवन के लिए, परिवार की डिमांड पूरी करने के लिए रुपये अति आवश्यक है। अगर धन का अभाव है जीवन में, रुपये नहीं है जेब में, बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है। जेब में रुपये नहीं है, घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकते हैं। जेब में रुपये नहीं है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। बहुत सारे लोग डायलॉग बाजी करते रहते हैं कि रुपया तो हाथ का मैल है, रुपये को कुत्ते भी नहीं सुनते हैं। ऐसे डायलॉग बाजी करने के लिए जेब में रुपये होने अति आवश्यक है। खाली जेब ऐसे डायलॉग नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, मैंने मेरे अनेक वीडियो में आपके साथ एक बात बार बार शेयर की है कि हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी जन्म पत्री में कुछ ग्रह ठीक नहीं होने की वजह से धन का अभाव, रुपयों का अभाव, सुख का अभाव। सुख चाहे कोई भी हो, दाम्पत्य जीवन का सुख है, संतान का सुख है, सुख चाहे कोई भी हो, सुख का अभाव हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज बात कर रहा हूँ शुक्र ग्रह की। जन्म पत्री में, बर्थ चार्ट में शुक्र ठीक नहीं है तो सुख, समृद्धि और सौंदर्य के दाता शुक्रदेव ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का अभाव हमारे जीवन में रहता है। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय एक बार ही करना है। शुक्र को स्थापित कर देना है, घर के अंदर स्थापित कर देना है। और ये उपाय एक के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए उपाय है। एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोगों के लिए ये उपाय है। अब आपकी जन्म पत्री में शुक्र कोई भी भाव में है, कोई भी राशि में है, आपकी कोई भी राशि है, परिवार के और सदस्यों की कोई भी राशि है, वो नहीं देखना है, सिर्फ उपाय करके देखें। दोस्तों, मैं आपको भरोसा देता हूँ, रिजल्ट अवश्य मिलेगा आपको। जीवन में आने वाले बदलाव को आप देखेंगे, कुछ अच्छे बदलाव आने शुरू अवश्य हो जाएंगे। उपाय शुक्रवार के दिन करेंगे। तीन जगह से आपको मिट्टी लानी है, मिट्टी को घर के अंदर स्थापित कर देनी है, रख देनी है। चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं, पहले तो आपका दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम, सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन बिल दबाए, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम और श्री। लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी मर्जी की बात है, मगर ये महा उपाय है। जय श्री राम लिखना महा उपाय है, आप महा उपाय करके देखिए। बाकी हल्की कमेंट करने वाले को मैं नहीं रोक सकता हूँ। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मैसेज करके रख दें, प्लीज कॉल ना करें, मैसेज करके, सिर्फ मैसेज करके रख दें, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। जो भी समस्या है, वो समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। मामूली छोटी फी पे करनी पड़ेगी, वो सभी जानकारी आपको कैसे फी पे करनी है, कितनी फी पे करनी है, वो सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। नंबर नोट कर ले, 8732985130। फालतू के मैसेज, फालतू के वीडियो,
फालतू की वीडियो की लिंक प्लीज मुझे ना भेजें, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और दोबारा बोलता हूँ, प्लीज कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। तीन जगह से आपको मिट्टी लानी है, घर के अंदर तक देनी है। पहले तो बाजार में से ऐसे लाल मिट्टी का एक छोटा पात्र ले आए, ये तो मेरे पास में बहुत समय से पड़ा था, तो सभी वीडियो में मैं यही आपको बताता रहता हूँ। ये दिवाली के ऊपर जो दीपक जलाते हैं वो दीपक है लाल मिट्टी का, इससे थोड़ा बड़ा आपको पात्र लाना है लाल मिट्टी का। घर में भी पड़ा हो तो साफ करके शुक्रवार के दिन आप ये उपाय करेंगे। तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी मिट्टी निकालनी है। तुलसी का गमला तो सभी घरों में रहता है, नहीं है आपके घर में गमला, कोई भी मंदिर में से अड़ोस पड़ोस में से गमले में से जड़ के पास से थोड़ी मिट्टी ले। अब अगल बगल में कहीं भी मंदिर है, पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ के जड़ की मिट्टी आपको लेनी है। नीचे जड़ के पास से चप्पू लेके जाइए, थोड़ी मिट्टी निकाल दे, थोड़ी मिट्टी निकालनी है। गौशाला जाए, गौमूत्र वाली मिट्टी लेके आए। अब तीनों मिट्टी को घर पे लाके थोड़ी साफ कर ले, अंदर कोई कचरा है कंकर है वो सभी निकाल दे। कच्ची मिट्टी शुक्र है, अब शुक्र की दिशा अग्नि दिशा शुक्र की दिशा है। ईस्ट साउथ वाला कोना अग्नि कोना शुक्र का प्रभाव है वो कोने पर। अब तीनों मिट्टी को अच्छी तरह से मिला दे, ऐसे छोटे बर्तन में भर के घर के अग्नि कोण में इस मिट्टी को सिर्फ रख दे, आपके सिर से थोड़ा ऊपर बस रख देना है, कुछ नहीं करना है। बीच में कोई भी समय पर ये टूट जाता है, टूट गया समझ लो तो बदलना है। शुक्रवार के दिन फिर से तीनों जगह से मिट्टी ले आए, भरकर साफ करके भरकर अग्नि वाली दिशा में इस बर्तन को आप हमेशा के लिए रखें। पूरे परिवार के सदस्यों में किसी की भी जन्म पत्री में जन्म कुंडली में शुक्र ठीक नहीं है। शुक्र ठीक नहीं होने की वजह से कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, कोई चीजों का अभाव आपके जीवन में है, तो वो अभाव अवश्य दूर हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, सुख समृद्धि और सौंदर्य के दाता शुक्र देव को आप संतुलित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। शुक्र देव की सुखता और प्रसन्नता आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों दोबारा बोलता हूँ, भरोसा रखे, विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, उपाय करके देखें, जीवन में आने वाले बदलाव को देखें। बस दोस्तों आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र मां देवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।